हेलो नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड। आज हम इस वीडियो में बच्चों को स्लैंटिंग लाइन के बारे में बताएंगे। ये स्टेप्स ऑफ राइटिंग के नेक्स्ट पैटर्न है स्लैंटिंग लाइन। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन के द्वारा बनने वाले कुछ लेटर्स के बारे में लिखना सिखाया था, लेकिन अब हम इस वीडियो में पैटर्न्स ऑफ राइटिंग के कुछ नए स्टेप्स जैसे स्लैंटिंग लाइन के बारे में बताएंगे। स्लैंटिंग लाइन टू टाइप्स के होते हैं, राइट स्लैंटिंग लाइन एंड लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। हम बच्चों को सबसे पहले एक रफ पेज पर इस तरह से डॉट बनाकर देंगे और उनका हाथ पकड़कर बच्चों को अप टू डाउन लाइन खिंचवाएंगे। अप टू डाउन फ्री हैंड। अब आप अपने बच्चों को फोर लाइंस की कॉपी पर इस तरीके से थ्री डॉट्स बनाकर देंगे। वन डॉट, टू डॉट, थ्री डॉट्स। वन डॉट, टू डॉट, थ्री डॉट्स। वन डॉट, टू डॉट, थ्री डॉट्स। बच्चों, आपके पेरेंट्स ने आपको फोर लाइंस की कॉपी पर थ्री डॉट्स बनाकर दिए हैं इस तरीके से। अब आपको अपनी पेंसिल फर्स्ट डॉट पे रखना है और फर्स्ट डॉट टू सेकेंड डॉट, सेकेंड डॉट टू थर्ड डॉट, इस तरीके से अप टू डाउन एक स्लैंटिंग लाइन खींचना है। अप टू डाउन स्लैंटिंग लाइन खींचना है। फर्स्ट डॉट पे पेंसिल रखना है, सेकेंड डॉट से होते हुए थर्ड डॉट पे जाना है। फर्स्ट लाइन टू सेकेंड लाइन देन थर्ड लाइन, अप टू डाउन स्लैंटिंग लाइन खींचना है। बिना हाथ उठाए आपको एक स्लैंटिंग लाइन खींचना है अप टू डाउन। बच्चों को हमने अप टू डाउन स्लैंटिंग लाइन करवाया। अब हम बच्चों को फिर से कॉपी पर थ्री डॉट्स बनाकर देंगे इस तरीके से और बच्चों को कहेंगे नीचे से ऊपर, ऐसे इस तरह से नीचे से ऊपर भी लाइन खींचना सीखे। धीरे धीरे डाउन टू अप इस तरीके से। हमें दोनों तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। स्लैंटिंग लाइन बच्चों को हमें अप टू डाउन भी करवाना है और डाउन टू अप भी करवाना है, क्योंकि कई ऐसे लेटर्स हैं इंग्लिश में जो दोनों तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे एम लेटर, W। इसलिए बच्चों की राइटिंग अप टू डाउन भी होना चाहिए और डाउन टू अप भी होना चाहिए। अब बच्चों को हम कुछ एक्टिविटी करवाएंगे, जैसे बच्चों को राइट स्लैंटिंग लाइन का बोल्ड फिगर बनाकर देंगे और उसकी आउट बाउंड्री बनाकर देंगे इस तरीके से। फिर बच्चों को कहेंगे धीरे धीरे इस लाइन पर कलर करें इस तरीके से। धीरे धीरे कलर करते हुए पूरे फिगर को भरे, इस तरह से बच्चों को स्लैंटिंग लाइन लिखना आसान हो जाएगा। बच्चों को हम कुछ और फिगर भी दे सकते हैं, जैसे ये क्लाउड बना सकते हैं और एक काइट बना के दे सकते हैं। बच्चे इस पर आसानी से इस डॉट पर स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन। और बच्चे इस काइट पर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अप टू डाउन इस तरीके से।
अब हम बच्चों को लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन लिखना सिखाएंगे। उसके पहले बच्चों को फोर लाइंस की कॉपी में इस तरीके से थ्री डॉट्स लेफ्ट साइड की तरफ बना कर देंगे, इस तरीके से। फिर बच्चों को हाथ पकड़कर फर्स्ट डॉट पर पेंसिल रखवाएंगे, फर्स्ट डॉट टू सेकेंड डॉट, सेकेंड डॉट टू थर्ड डॉट, इसी तरीके से अप टू डाउन लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन लिखना सिखाएंगे। देखो बच्चों, आपके कॉपी पर इस तरीके से थ्री डॉट्स लगे हुए हैं। अब आपको फर्स्ट डॉट पे पेंसिल रखना है, फर्स्ट डॉट टू सेकेंड डॉट, सेकेंड डॉट टू थर्ड डॉट, इस तरीके से लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन अप टू डाउन खींचना है। अप टू डाउन, फर्स्ट डॉट टू सेकेंड डॉट, सेकेंड डॉट टू थर्ड डॉट, बिना हाथ उठाए पेंसिल को धीरे धीरे इस डॉट्स को ज्वाइन करना है। हम बच्चों को फिर से इस तरीके से थ्री डॉट्स बनाकर देंगे। इसमें हम बच्चों को नीचे से ऊपर, इस तरीके से नीचे से ऊपर लाइन खींचने के लिए कहेंगे। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे दोनों तरीके से सीखें, डाउन टू अप, डाउन टू अप, डाउन टू अप, डाउन टू अप। बच्चों को दोनों तरीके से लाइन सीखना खींचना सिखाएं, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी, और बच्चे का हाथ बैठ सके। अब आप अपने बच्चों को इस तरह की बोल्ड फिगर बना कर देंगे और उस पर धीरे धीरे कलर करने के लिए कहेंगे। पहले आप आउट बाउंड्री बना कर देंगे, फिर बच्चों को धीरे धीरे अप टू डाउन, डाउन टू अप, इस तरह से कलर करने के लिए कहेंगे। बच्चों को धीरे धीरे बोलिए इसके अंदर कलर करेंगे। बच्चों को कुछ और भी फिगर बनाकर दे सकते हैं, जैसे पहले बताया था, इस तरह से एक क्लाउड बना सकते हैं और बच्चों को धीरे धीरे कहेंगे इस रेन ड्रॉप्स पर लाइन खींचने के लिए अप टू डाउन, धीरे धीरे इस ड्रॉप्स को मिलाएंगे, अप टू डाउन, अप टू डाउन। और बच्चों को इस तरीके से हम काइट भी बनाकर दे सकते हैं और इसकी डोर पर ड्रॉ करने के लिए कहेंगे लाइन, जैसे सारे डॉट्स को मिलाते हुए बच्चे आसानी से इसको ड्रॉ कर सकेंगे। अब हम बच्चों को राइट स्लैंटिंग लाइन एंड लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन दोनों को मिलाकर जिगजैग लाइनिंग करना सिखाएंगे, जैसे इस तरीके से जिगजैग लाइनिंग। सबसे पहले बच्चों को कहेंगे पेंसिल यहाँ रखें और धीरे धीरे फ्री हैंड बच्चों को धीरे धीरे इस डॉटेड लाइन पर लाइन खींचने के लिए दें, इस तरीके से अप टू डाउन, डाउन टू अप, अप टू डाउन। अब आप अपने बच्चों को इस तरीके से जिगजैग डॉट बनाकर देंगे, अप टू डाउन, डाउन टू अप, अप टू डाउन, इस तरीके थ्री थ्री डॉट्स बनाकर देंगे। और बच्चों को पेंसिल फर्स्ट डॉट पे रखेंगे और धीरे धीरे अप टू डाउन, डाउन टू अप, फर्स्ट लाइन को ज्वाइन करते हुए सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, फिर सेकेंड लाइन टू फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन टू सेकेंड लाइन टू थर्ड लाइन। बच्चों देखो, आपके पेरेंट्स ने इस तरह के जिगजैग डॉट्स बनाकर दिए हैं। अब आपको अपनी पेंसिल फर्स्ट डॉट पे रखना है, थर्ड लाइन से शुरू होते हुए बच्चे
धीरे धीरे इस लाइन को नीचे से ऊपर ले जाएंगे, देन अप टू डाउन, सारे डॉट्स को आपस में zigzag करके मिलाते जाना है। अप टू डाउन, डाउन टू अप, अप टू डाउन, फिर दोबारा करेंगे डाउन टू अप, अप टू डाउन, बिना हाथ उठाए धीरे धीरे पेंसिल को डॉट से मिलाना है। इस तरीके से अप टू डाउन, डाउन टू अप, अप टू डाउन, डाउन टू अप। अब आप अपने बच्चों को एक प्लेन पेपर पर इस तरीके से माउंटेन की फिगर बना कर देंगे और उसके अंदर बाउंड्री बना कर देंगे ताकि बच्चे इस बाउंड्री के बाहर ना निकालें। इस तरीके अब आप अपने बच्चों को कुछ और भी फिगर बना कर दे सकते हैं, जैसे हाउस का फिगर है, बच्चों को एक ड्राइंग बना के दें रफ ड्राइंग हाउस की और उसके रूफ में कहें बच्चों को धीरे धीरे स्लैंटिंग लाइन खींचें इस तरीके से, और फिर डिफरेंट कलर से इसको कलर करने के लिए दें। पहले बच्चों को स्वयं और बाउंड्री बना कर दें इस तरीके से, फिर बच्चों को डिफरेंट कलर्स देते हुए इसके अंदर कलर करवाएं। बच्चे देखो खेल खेल में इस तरह का हाउस को कलर करना सीख जाएंगे और बच्चों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसमें स्टैंडिंग लाइन की भी प्रैक्टिस होगी, स्लीपिंग लाइन की भी प्रैक्टिस होगी और स्लैंटिंग लाइन की भी प्रैक्टिस होगी। इस तरीके से बच्चों को इस हाउस में डिफरेंट कलर से हम कलर करवा सकते हैं। पहले स्वयं इसकी बाउंड्री बना कर दें, फिर बच्चों को बोलें कि स्लैंटिंग लाइन इस पर कलर करें। बच्चों को कुछ और भी हम ड्राइंग बनाकर दे सकते हैं, जिस तरह इस तरीके से जैसे कोन आइसक्रीम है, बच्चों को कोन बनाकर दें और इसकी बाउंड्री बनाकर दें तो बच्चे इस तरह से स्लैंटिंग लाइन करते हुए इसके अंदर कलर करेंगे, इससे उनकी और भी प्रैक्टिस होगी। इस तरह से हम डिफरेंट फिगर्स बनाकर बच्चों को दे सकते हैं और उनकी स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ज़िगज़ैग लाइनिंग करना सिखाया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पैटर्न ऑफ राइटिंग सिखाएंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें।